1910 1911 में फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में एक विवाद होता है। इसमें फ्रांस आरोप लगाता है कि इंग्लैंड ने फ्रांस की धरती से एक राजनीतिक बंदी को गिरफ्तार करके वो भारत लेकर गए हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के नियमों के विरुद्ध है। उस समय इंग्लैंड की काफी किरकिरी भी होती है इस बात पर। 8 जुलाई 1910 का दिन था जब इंग्लैंड के सिपाहियों ने फ्रांस के मर्सिलस बीच से बंदरगाह से वीर योद्धा क्रांतिकारी वीर सावरकर जी को गिरफ्तार करके और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन करके वो उन्हें भारत लेकर आए थे। यकीन मानिए, अगर उस दिन वीर सावरकर को इस तरीके से, गलत तरीके से वहां से पकड़ा नहीं जाता, तो आजादी का इतिहास कुछ और ही पन्नों पर लिखा होता। आज देश में दो बड़ी राजनीतिक पार्टियां हैं, बीजेपी और कांग्रेस। एक के लिए वीर सावरकर हीरो हैं और दूसरी के लिए विलेन। ये दुर्भाग्य हमारे इस देश का और हमारा है कि हमारे देश में क्रांतिकारियों को भी बांट लिया गया है। राजनीति इतनी प्रबल हो गई है कि हम हर चीज में राजनीति देखते हैं। इसी तरीके से कुछ क्रांतिकारी कांग्रेस ने ले लिए अपने पाले में और कुछ बीजेपी ने ले लिए, लेकिन दोनों ही पार्टियां अपने अपने क्रांतिकारियों के लिए क्या कर रही हैं, वो भी इस बात से आज पता लग जाएगा। बात उस समय की है जब इंग्लैंड में वीर सावरकर जी को बंबई के वारंट पर गिरफ्तार किया गया और उन्हें भारत गिरफ्तार करके लाकर बंदी बनाने की पूरी योजना बना ली थी अंग्रेजी सरकार ने। इंग्लैंड से उन्हें गिरफ्तार करके मोरिया नामक जहाज में वापस भारत लेकर आया जा रहा था। तभी वीर सावरकर जी ने सोच लिया था कि अगर उन्होंने भारत की धरती पर कदम रखा तो अंग्रेजी सरकार या तो उन्हें फांसी पर लटका देगी या उम्र कैद की सजा सुना देगी। ऐसे में उन्होंने निश्चय किया कि वो भारत की धरती पर कदम रखने से पहले ही इन गोरे सिपाहियों से अपने आप को आजाद कर लेंगे। विदाई के लिए आए हुए क्रांतिकारी साथी क्रांतिकारी अय्यर और मैडम कामा जी को तुरंत जल्द से जल्द मार्सिलस बंदरगाह फ्रांस में पहुंचने के लिए कहा। जब ये बातचीत हो रही थी तो एक गोरे सिपाही को शंका हुई और उसने सावरकर जी का जो पहरा था वो और भी कड़ा कर दिया। जब इंग्लैंड का वो मोरिया नामक जहाज फ्रांस के मार्सिलस बंदरगाह के पास से गुजर रहा था तो सावरकर जी ने अंग्रेज गोरे सिपाही को कहा कि वो उन्हें शौचालय ले जाए। उस शौचालय में एक छोटा सा रोशनदान था, उसका साइज काफी छोटा था, लेकिन कोई भी होशियार आदमी वीर सावरकर जी जैसा आराम से उसको भेद देता है। वो उसमें से निकल के उस जहाज से छलांग लगा देते हैं और मार्सिलस बंदरगाह जो फ्रांस की धरती पर पड़ता था उसकी ओर तैरने लगते हैं। गोरे सिपाहियों को पता लग जाता है, वो नौका छोड़ देते हैं और सावरकर जी पर गोलियां चलाना भी शुरू कर देते हैं। ईश्वर की कृपा से कोई भी गोली उन्हें नहीं लगती है और वो सुरक्षित मार्सिलस बंदरगाह पर पहुंच जाते हैं। बंदरगाह से निकल कर वो एक फ्रांस किसी भी फ्रांस की पुलिस के सिपाही को ढूंढने लग जाते हैं। तभी उन्हें एक सिपाही दिखता है और वो उसके पास जाकर कहते हैं कि मैं चोर नहीं हूं, मैं एक राजनीतिक बंदी हूं और गोरे सिपाही मुझे फ्रांस की धरती पर नहीं पकड़ सकते, ये अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के का उल्लंघन है। वीर सावरकर जी अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के काफी अच्छे जानकार थे तो उन्हें पता था कि नियमों के अनुसार अंग्रेज गोरे सिपाही अब उन्हें नहीं पकड़ सकते। लेकिन दुर्भाग्यवश उस पुलिस वाले को, उस फ्रांस के पुलिस वाले को ये बात समझ में नहीं आई और उसने बिना अपने उच्च अधिकारियों से पूछे बिना, सुझाव लिए बिना, उसने वीर सावरकर जी को गोरे सिपाहियों को सौंप दिया कुछ पैसे लेकर। ये वो दुर्भाग्यवश क्षण था कि अगर जो न घटता तो भारत की आजादी का इतिहास ही कुछ और होता। वीर सावरकर जी दोबारा गिरफ्तार कर लिए गए थे और उन्हें दोबारा जहाज में ले जाकर वापस भारत लाने की दोबारा से तैयारी शुरू कर दी गई थी। वहीं पर जब ये घटना घटी उसके बाद क्रांतिकारी अय्यर और मैडम कामा जी पहुंचते हैं, लेकिन तब तक वीर सावरकर जी गिरफ्तार हो चुके हैं। मार्सिलस बंदरगाह के और मार्सिलस जो शहर, जो दूसरा सबसे बड़ा शहर है, उसके प्रशासन ने इस ऐतिहासिक छलांग के लिए वीर सावरकर जी का स्टैचू प्रतिमा बनाने के लिए भी कहा था, लेकिन उन्होंने कहा कि भारत की सरकार की तरफ से कोई पहल आनी चाहिए, कुछ हमें लिखित में होना चाहिए, तभी हम इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन दुर्भाग्यवश दोनों राजनीतिक पार्टियां, एक के लिए जब वीर सावरकर जी विलेन है और दूसरी के लिए हीरो, दोनों में से किसी ने भी
अभी तक वीर सावरकर जी की प्रतिमा या स्टैचू या उनका म्यूजियम वहां पर बनाने के लिए वहां की सरकार और वहां के प्रशासन से कोई भी बातचीत नहीं की है। ये दर्शाता है कि राजनीतिक पार्टियां सिर्फ अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करती हैं क्रांतिकारियों को और हमारे इतिहास में वीर योद्धाओं के नाम को लेकर। खैर, मेरा सिर्फ इतना प्रयास था कि मैं वीर सावरकर जी की पूरी जिंदगी के एक ऐसे छोटे से पहलू पर बात करूं जो शायद कम से कम लोगों को पता होगा। भारत देश में आज वीर सावरकर बेशक कॉन्ट्रोवर्शियल हो, बेशक कितने भी विवादित हो, लेकिन मेरी तरफ से और पूरे मॉडर्न इंडिया परिवार की तरफ से मैं वीर सावरकर जी को नमन करता हूं और देश की आजादी के लिए दिए उनके सर्वस्व बलिदान को भी मैं प्रणाम करता हूं। हमारे लिए वीर सावरकर जी हमेशा से ही हीरो थे, हैं और रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।